जागरूक बालक समिति व जय जवान जय किसान संगठन की ओर से स्कूल फीस में हुई वृद्धि और पीटीए का नियमानुसार गठन आदि मांगों को लेकर विधानसभा में संगठन ने दस्तक दी। इस मौके पर विद्यार्थियों ने सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा। आइए देखते हैं। पालक समिति की ओर से सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ये शहर के तमाम पालक अपने बच्चों के साथ यानी विद्यार्थियों के साथ आए हुए हैं और इसका जो नेतृत्व है जय जवान जय किसान संगठन के प्रशांत पवार हमारे साथ में, वो भी कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम ये बच्चों से जानना चाहेंगे कि बच्चे होते हैं देश के सबसे अच्छे, देश का भविष्य कहे जाने वाले ये बच्चों के साथ आखिरकार ऐसी क्या नाइंसाफी हुई है जिसके चलते बच्चे आज इस परिसर में आए हुए। बेटा बताइए क्या क्या कहना चाहोगे सरकार से? मैं कहना चाहूंगी कि स्कूल की फीस कम करे। मैं आदित्य दादा से विनती करना चाहूंगी कि वो उद्धव दादा और थोरा दादा से कहिए कि स्कूलों की फीस कम करे ताकि हमें शिक्षा मिल सके, हम देश की सेवा कर सके और हम एक अच्छा नया भारत बना सके। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? वंशिका नितिन नायडू। ये छोटी सी मासूम एक बच्ची जो जिस प्रकार की ये भावनिक आह्वान कर रही है, सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। और भी कुछ बच्चे आए हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नम्रता राजेश चेतानी है और मैं मोदी जी को यह कहना चाहूंगी कि आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो कैसे बेटी बचेगी और कैसे बेटी पढ़ेगी? प्राइवेट स्कूलों की फीस मनमाने तरीके से बढ़ रही है और सरकारी स्कूलें बंद होती दिख रही है। हम बेटियों को पढ़ना है, आगे बढ़ना है, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट आईएएस आईपीएस बनके देश की सेवा करनी है। मोदी जी हम देश की बेटियों के सपने टूटने मत दीजिए, दिल्ली जैसी शिक्षा प्रणाली पूरे देश में लागू कीजिए। धन्यवाद। सही बात इन्होंने फरमाया, जिस प्रकार से इन्होंने जो बात कही है कि शिक्षा का दायरा है वो अपने आप में क्या ये सबको पता है, मगर जिस प्रकार से ये जो स्कूलें कुछ बंद पड़ी है और जो गरीब के बच्चे को पढ़ाई अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं वो भी ले पा रहे हैं। आइए हम सीधा रुक करेंगे कि इस समय में हमारे सामने कुछ पेरेंट्स लोग हैं, इसे जाना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे अभिभावक के तौर पर? अभिभावक तौर पर ये कहना चाहूँगी कि जो प्राइवेट स्कूलें की जो फी बढ़ी है वो इतनी अवाढव्य बढ़ी है कि अगर एक आधे सर्वसामान्य व्यक्ति का पेमेंट समझो 15 से 20 हज़ार अगर होगा तो अपने दो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, वो किराया देगा, खाना खाएगा, बच्चों की कैसी फी बढ़ेगा? और सभी माँ बाप जो है अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देना चाहते, आईएएस बनाना चाहते, डॉक्टर बनाना चाहते, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पर यहाँ तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाना भी हमको मुश्किल हो रहा है, तो हम क्या करें? हमको समझ में नहीं आ रहा। हम पालक लोगों को एक साल से ये सब हमारा संघर्ष चल रहा है, पर आज हमने हमारे बच्चों को इस सभा में, ये जो छोटे से बच्चों की सभा जो है हमारी, ये आज विधानसभा तक आई है, तो ये सरकार को देखना चाहिए। आज सुबह बच्चे 10 बजे से आके यहाँ खड़े हैं, अभी तक कोई हमें मिलने नहीं आया है, हमारे बच्चे और कितना देर तक खड़े रहेंगे? ये सब बच्चों मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बच्चों की जो सभा है, सबसे पहले तो ये बच्चों का प्रॉब्लम जो है पालक मोर्चा सोबत घेऊन आलेला आहे प्रशांत पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आणि सरकारला तर लाज वाटायला पाहिजे। हे लहान लहान मुलं रस्त्यावर उतरले आणि त्यांचे पालकांना सुद्धा इथे रस्त्यावर उतरावं लागत आहे, तर त्यांना ती लाज वाटायला पाहिजे। आणि कधी येणार ते भेटायला? जोपर्यंत ते येणार नाही आम्ही इथून कोणीही हलणार नाही असा आम्ही प्रण घेतलेला आहे। आणि याला जबाबदार बाकी सिस्टम सुद्धा आहे, जे अधिकारी आमच्या खिशातून पैसे जातात ते त्या अधिकाऱ्यांचा सुद्धा याच्यात रोल आहे की ते त्यांचं काम बरोबर करत नाही। एज्युकेशन डिपार्टमेंट असताना सुद्धा आम्हाला रस्त्यावर उतराव लागत आहे, म्हणजे हा प्रश्न सर्वांचा खूप गंभीर आहे। सर, ऍज अ पेरेंट्स क्या कहना चाहोगे सरकार से? सर मला यामध्ये दोन गोष्टी बोलायच्या आहे, एक तर बालकांचा अधिकार आहे की त्यांनी शिक्षण घ्यावं, दुसरा मुद्दा असा आहे की सरकारने याकडे एक व्यापारीकरण आणि इन्व्हेस्टमेंटचा जर का विचार केला आपण, तर सरकारने याकडे प्रॉफिटचा दृष्टिकोन न ठेवता एक विद्यार्थ्यांमध्ये लॉंग इन्व्हेस्टमेंट असा मुद्दा ठेवायला पाहिजे, कारण ही देशाची संपत्ती आहे आणि ती आपल्याला जर का घडवायची आहे। इकडे आपण अलीकडे म्हणतो आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक नारा दिलेला होता की जो शिक्षा घेईल किंवा जो शिक्षण घेईल तो शिक्षण घेतल्यानंतर शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। सरकारने हे वाघिणीचं दूध, शिक्षण रूपी वाघिणीचं दूध एवढं महाग करून ठेवलेलं आहे की
पालक पिणारच नाही तर गुरगुरणार कसा. मला फक्त माननीय मुख्यमंत्र्यांना एवढंच म्हणायचं आहे की आम्ही जर सर्वसामान्य जनता जी आहे ती आपल्या मुलांना कशी शिकवू शकेल. तुम्ही थोडंसं काहीतरी कोऑपरेट करा आणि आपल्या देशाचं भविष्य घडवा. हे तुम्हाला कधी समजेल मला नाही कळत आहे. फक्त एवढंच म्हणायचं की करा, काहीतरी करा. इतके 10 वाजतापासून आम्ही उभे आहोत पण अजूनपर्यंत कोणीही यायला तयार नाही. या लहान मुलांची दखल घ्यायला सुद्धा कोणी तयार नाही. प्लीज काहीतरी करा आणि मुलांसाठी काहीतरी भविष्य निर्माण करा बस. सर ये बताइए कि सरकार ने यदि आपके मांगों को पूरा नहीं किया तो क्या रणनीति रहेगी. यहाँ पर रात भर रुकेंगे ना हम लोग, बच्चे भी रुकेंगे, बच्चे के पेरेंट भी रुकेंगे. कम से कम ये संदेश तो जाएगा भारत देश में. मोदी सरकार तो फेल है ही है, लेकिन हम ये बताएंगे कि उद्धव ठाकरे की भी सरकार फेल है करके. जो बोलते कि हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये बच्चे 10 बजे से यहाँ बैठे और आपने बच्चों का बाइट लिया. क्या बोल रहे थे बच्चे, ये भारत देश का भवितव्य है, भविष्य है ये. और जिस हिसाब से वो भाषण देते हैं तो भाषण का तो कुछ होना चाहिए. क्या वो भी ये पिछले सरकार के साथ में मिल गए हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है. अगर आपके माध्यम से वो देख रहे होंगे तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि 5 मिनट के अंदर में ये डेलीगेशन लेने के लिए उन्होंने भेजना चाहिए. कौन से मंत्रियों को अपील कर रहे हैं? हम तो पहले मुख्यमंत्री जी को अपील कर रहे हैं और उसके बाद में शिक्षा मंत्री बाबा साहब थोड़ा थे उनको भी अपील कर रहे हैं हम लोग. आप देख रहे कि सुबह से ये नन्हे नन्हे बच्चे, स्कूली छात्राएं यहाँ पे आए हुए, उनके अभिभावक आए हुए हैं, ये ज्ञापन देना चाहते हैं. मगर अफसोस कि अब तक के कोई शिक्षा मंत्री इनके पास नहीं पहुँचा है. इनकी बातों की उन्होंने थोड़ा सा उन्हें ऐसा नहीं लगा कि इनके पास आना चाहिए. सुबह से बच्चे भूखे पैसे बैठे अपनी मांगों को लेकर. वैसा देखा जाए तो ये बच्चों का कोई हक नहीं बनता इस आंदोलन में आने का. लेकिन क्या करें, आखिरकार बच्चों को भी मालूम पड़ा कि अपने अभिभावक जो है कैसे पेट काट काट के एक एक पैसा जमा कर रहे हैं और आए दिन जो डोनेशन का जो दायरा बढ़ा है, डोनेशन धड़ल्ले से मांगा जा रहा है. बड़ी स्कूलों में अच्छी शिक्षा यदि पाना हो तो पैसा पानी के जैसे बहाना चाहिए, बशर्ते इन्होंने पानी के जैसे पैसा भी बहाया होता. मगर अफसोस कि पैसा बहाने के लिए पैसा आना तो चाहिए, रोजगार नहीं दे रही सरकार. दूसरी ओर ऐसे बच्चे जब सड़क पर आते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे भारत सरकार लगा रही है, लेकिन भारत सरकार क्या ये देख रही है कि बेटी को पढ़ाए कैसे जाए. और बेटी को पढ़ाने के लिए, बचाने के लिए उसको 2 वक्त की रोटी चाहिए. अभिभावक पैसे लाए तो लाए कहाँ से. इस ओर सरकार ने ध्यान देना चाहिए. मनमानी जो स्कूल के फीस जो बढ़ी है, कुछ शहर के ऐसी भी स्कूलें हैं कि जो उनका अपना एक रंगदार जिसको बोलते हैं एक क्या कहना चाहिए उसके लिए वो किसी को मानते नहीं, वो अभिभावक को कुछ समझते नहीं. बच्चे को आपको पढ़ाने तो पढ़ा, नहीं पढ़ाना तो मत पढ़ा, लेकिन उन्हें पैसे चाहिए. जब तक उनके जेब में पैसे नहीं आएंगे बड़े पैमाने पे वो बच्चों के एडमिशन नहीं करवाते. ये दुर्भाग्य है इस रूप राजधानी का. ऐसे में इन बच्चों का सुनने वाला वाली है कौन, इन बच्चों को आखिरकार न्याय देगा कौन, अभिभावक जो टील टील मर रहे हैं उनको न्याय देगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है. अगर अभिभावक की बात सरकार दरकिनार करती है, नहीं मानती है, तो यकीनन ये बच्चे देश का भविष्य हम भली जुबान से कहे मगर वास्तविकता यह है कि बच्चे उच्च शिक्षा नहीं ले पाएंगे. सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, ऐसा इन सबका कहना है. सरकार तुरंत इनके बातों को ध्यान में रखे, इनके कामकाजों को ध्यान में रखे, इनके जो समस्या है जो वो छुड़ाए, अभिभावकों की जो मांग है वो पूरी करे, तब कहीं लोकतंत्र में जीने वाले बच्चे सही मायने में आजाद है. वरना देश को आजाद हुए आज 73 साल हो रहे, उसके बावजूद भी देश की जनता, देश के बच्चे आजाद नहीं है, ऐसा कोई तो बड़ी बात नहीं हो सकती. देश आजाद होना है, देश के बच्चे आजाद हुए ऐसा यदि आपको लगता है, देश पढ़ना लिखना चाहिए, देश के बच्चे हर कोने में जाके हर क्षेत्र में जाके इस भारत का परचम लहराए, ऐसा यदि आपको लग रहा है तो सरकार आप इनकी बातों को जरूर माने. अधिवेशन में आप संसद में बैठे हो, लोग यहाँ यही बच्चे मांग चाहते हो, भूखे देख रहे हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे. ये बिटिया ने जिस प्रकार से बात की है किसी का भी दिल दहला जाएगा. क्या चल रहा है ये, सरकार इस ओर ध्यान दे. बच्चे को, छोटे बच्चों को यदि आंदोलन में आना पड़े तो ये इनकी बात इनकी हार नहीं है, वो सरकार की हार है, ऐसे अभिभावक का कहना है. अंत में यही कहना चाहूंगा कि हिमालय की है पुकार, बहादुरो बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, आगे सबसे हो चलो. कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरा, इनबीसीएन न्यूज, नागपुर.